तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पालक के पराठे तैयार करते हैं। हमने एक पैन में सरसों का तेल ले लिया है। इसमें कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के इनको सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके साथ ही हमने देसी पालक ले लिए 250 ग्राम, इनको धो के अच्छे से साफ कर लिया है और इनको काट के इसमें पका लेना है। नमक वगैरह कोई मसाले नहीं ऐड करने हैं, बस 2 से 3 मिनट तक पका के जब ये ठंडा हो जाएगा तो इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे आटा डालेंगे और इसका एक पराठे का सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और फिर इनको हम ट्रायंगल शेप में बेल लेंगे। आप चाहें तो इनको राउंड शेप में भी या स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हैं और फिर इनके पराठे तैयार कर लेंगे। और लीजिए, हमारे पालक के पराठे तैयार हैं, इंजॉय करेंगे। थैंक यू।